अच्छी पत्रकारिता करिए और एक भी सदस्य आपको ऐसे मिले मिल जाए तो आप हमसे आके बात करिए कि जिसको धमकाया गया, डराया गया या उठाया गया, कहीं जाइए आप, हम आपसे आपके लिए आए हैं, बकवास करते हैं आप, सर दीजिए, मेरे लिए नहीं आया, किसके लिए आया बताइए, हम चौकीदार हैं आपके, मतलब कार्यकर्ता क्या मैं कह रहा हूँ, बस हो गया, बहुत क्या हो गया बताइए, बहुत है आप जरूर सर बदतमीजी कर रहे हैं, सुना आपने किस तरह ये शख्स अपने मौजूद लोगों को डांट रहा है। डांटने वाला ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि बीजेपी का कद्दावर नेता और सीएम योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह है। और जिसको मोती सिंह डांट रहे हैं वो भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारतीय किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और बीजेपी के नामचीन झंडा बरदार अभय सिंह पप्पन है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोती सिंह कह रहे हैं कि आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे राजा भैया और उनका रसूख भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मोती सिंह का गुस्सा अपने ही कार्यकर्ताओं पर क्यों फूट पड़ा, तो इसका सवाल भी अब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के जिला पंचायत कार्यालय के बाहर की हैं। कल यानी 3 जुलाई को पूरे प्रदेश समेत प्रतापगढ़ में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन ने चेकिंग के नाम पर उनकी गाड़ी रोक ली और समर्थकों पर दबाव बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि जिला प्रशासन और राजा भैया ने उनके समर्थकों को अगवा भी कर लिया, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया। मेरे सदस्यों को उठवा लिया है डीएम प्रतापगढ़ और मेरे सदस्यों को ढूंढ के लाया नहीं, मैं 15 दिन से ढूंढ रहा हूँ और मैंने डीएम को लिखित भी दिया, व्हाट्सएप किया, फोन किया, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कह रहा तुमको जो करना हो कर लो, मैं जीतवाऊंगा तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जीतूंगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिजल्ट आने से पहले ही अपनी हार का साफ साफ अंदाजा लग चुका था, लिहाजा सभी ने जिला पंचायत कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इन सभी की मांग थी कि तुरंत ही मतदान को रद्द करते हुए दोबारा चुनाव करवाए जाएं। इधर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे और दूसरी तरफ माधुरी पटेल ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया, जिसके बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल प्रतापगढ़ में बीजेपी की झंडा बरदार क्षमा सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुंकार भरी थी, लेकिन सियासी जानकारों की माने तो क्षमा सिंह माधुरी पटेल के सामने कोई कमाल नहीं दिखा सकी। जहां क्षमा सिंह को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था तो वहीं माधुरी पटेल को रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। ऐसा माना जाता है कि प्रतापगढ़ में राजा भैया की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे में कोई दूसरा जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष कैसे बन सकता है। इधर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे तो वहीं दूसरी तरफ राजा भैया समर्थित प्रत्याशी माधुरी पटेल के सिर पर जीत का सेहरा भी सज गया। मतदान के दौरान कुल 49 वोट डाले गए, जिसमें राजा भैया समर्थित माधुरी पटेल को 40, बीजेपी की क्षमा को 3 तो वहीं सपा की अमरावती को 6 वोट मिले। इसी के साथ माधुरी पटेल प्रतापगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। रिजल्ट आने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं, लिहाजा शाम ढले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जिला पंचायत कार्यालय पहुंच गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान बीजेपी के झंडा बरदार अभय सिंह पप्पन कैबिनेट मंत्री मोती सिंह से ही भिड़ गए, जिस पर मोती सिंह ने साफ कहा कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। जाइए आप, हम आपसे आपके लिए आए हैं, बकवास करते हैं आप, हम चौकीदार हैं आपके, अरे मैं पूछ रहा हूं तो बताइए ना, नौकर हैं आपके। वहीं दूसरी तरफ अपने प्रत्याशी की जीत पर राजा भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया और अपने विरोधियों को चुनौती दे डाली। तो वो तो देख के आ रहा है, हमारी गाड़ी रोकी भी गई, हमारी गाड़ी चेक भी हुई और जहाँ तक असलहे लाने की बात है, सभी को पता है कि 144 लगी है, हर चुनाव में लगता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो वो गाड़ियाँ किसकी थी, वो सत्ताधारी पक्ष की गाड़ियाँ थी जिसके असलहे थे, उनको कहा गया कि असलहे वापस कर लीजिए, लौटा दीजिए, लौटा दिए। जहाँ तक हमारी गाड़ियों की बात है उसमें कोई असलहा नहीं मिला, देखी गई पूरी गाड़ियाँ, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। इसमें थोड़ी खोजी पत्रकारिता करिए
और एक भी सदस्य आपको ऐसे मिले मिल जाए तो आप हमसे आके बात करिए कि जिसको धमकाया गया, डराया गया या उठाया गया कहीं। इससे हमको एक ही कष्ट है कि अपने जिले की छवि पूरे प्रदेश में बहुत खराब हुई। और जो पत्र भेजा गया है, मैं बार बार आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो पत्र भेजा गया है उस पत्र में कितनी सच्चाई है ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पता करना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से पूरे जिले पूरे प्रदेश को भी जानकारी होनी चाहिए। प्रतापगढ़ में जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हार से परेशान है तो वहीं राजा भैया के खेमे में जश्न का माहौल है। लेकिन जहां पूरे प्रदेश में बीजेपी का दबदबा रहा तो वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया के आगे बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों की एक न चली। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि सांसद संगम लाल गुप्ता के प्रतिनिधि अभिषेक पांडे और पप्पन सिंह के साथ करीब 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह खबर हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।